तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि इसमें एक ओसाका नाम का एक शहर को दिखाया जाता है, जिसमें एक मिनी ट्रक के अंदर में दो लोग होते हैं, जिसमें लड़की का नाम केट होता है, जो हमारी मूवी की एक मेन कैरेक्टर होती है, और अपने दूसरे साथी वैंडलर के साथ होती है। केट जो पेशे से एक हिटमैन होती है, जो लोगों का मर्डर करती है। तभी उसे दिखाई देता है कि जिस टारगेट को वो मारने वाली होती है, उसके साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम एना होता है। कैट अपने साथी को से पूछती है कि उसे अपने टारगेट को मारना है कि नहीं, जिस पर टारगेट को मारने को कहा जाता है, और उसे केट गोली मार देती है। और हमारी मूवी की कहानी 10 महीने बाद चली जाती है, जहां पर टोक्यो शहर में केट रनिंग कर रही होती है। तभी उसे एक परिवार पर नज़र पड़ती है, जिससे केट प्रभावित होकर के अपने परिवार के बनाने के बारे में सोचती है, और वो अपने इस काम से रिटायरमेंट लेने के बारे में भी सोच रही होती है, और यह बात वो अपने बॉस वैंडलर को कहती है। शाम को केट एक होटल में जाती है, जहां उसे एक इंसान से मुलाकात होती है। कुछ समय बाद दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। केट उसके बाद अपने लास्ट मर्डर को करने के लिए गई होती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। अपने टारगेट को वो गोली नहीं मार पाती है और टारगेट को मिस कर देती है। वो वहाँ से भागने लगती है और कुछ समय बाद वो खून की उल्टी भी करने लगती है। केट कार चुराकर भाग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाते हैं, जहाँ कुछ समय बाद उसे केट को होश आता है, जहाँ पर डॉक्टर केट को कहते हैं कि उसे पोलोनियम 204 नाम का एक जहर दिया गया है, जिससे उसके पास केवल एक ही दिन बचा हुआ है। केट हॉस्पिटल से कुछ दवाइयों को लेकर उस इंसान के घर जाती है जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। उस इंसान को जिस वाइन को पीने के लिए दिया गया था, उसी में जहर था, पर यह बात उस इंसान को भी नहीं पता था। केट उससे पूछती है कि उसे जहर किसने दिया और वो कौन है, जिस पर वो कहता है कि सेटो ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। केट वैंडलर से मिलने को जाती है, जहां उसे पता चलता है कि केट ने ओसाका में जिस इंसान को मारा होता है, सेटो उसका रिश्तेदार होता है। केट सेटो के घर पहुंचती है, वहां वो सेटो से पूछती है कि उसे जहर क्यों दिया गया है, जिस पर किजामा नाम का लेता है। किजामा ने ही ऑर्डर दिया होता है कि जिस पर वह एक भयानक सी लड़ाई होने लगती है, जिसमें केट सेटो के सारे गार्ड्स को मार देती है, और सेटो के गार्ड केट को किजामा के कज़न का नाम बताती हैं, जो एक क्लब में पार्टी कर रही होती है। केट उस लड़की को पहचान जाती है, उस लड़की को किडनैप कर लेती है, जिस पर केट एना को कहती है कि वो किजामा से कॉन्टेक्ट करती है, वो रेंजी से कॉन्टेक्ट करती है, और रेंजी किजामा से कॉन्टेक्ट करता है। केट फोन करके रेंजी को कहती है कि अगर वो एना को जिंदा दिखना चाहते हैं तो वो उससे मार्केट में आकर मिले, लेकिन रेंजी वहाँ ना आकर अपने एक आदमी को भेज देता है। पर केट रेंजी के गुंडों के बीच में एक खतरनाक सी लड़ाई होती है। केट सभी गुंडों को धीरे धीरे मारने लगती है। रेंजी का गार्ड एना को खोज लेता है, लेकिन वो एना को ही गोली मारने वाला होता है। तभी एना केट को गोली मार देती है और एना को बचा लेती है, और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन केट को अपना बचपन याद आने लगता है कि वो कैसे एक मर्डरर बनी होती है। केट एना से रेंजी का घर का पता पूछती है, जहाँ पर ओजामा को ही रेंजी का पता होता है। ओजामा से मिलने के लिए केट जहाँ दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन एना और केट दोनों मिलकर ओजामा को मार देते हैं। ओजामा को फ़ोन उन्हें रेंजी का पता चल जाता है। रेंजी उन्हें काजिमा का पता बता देता है। केट जिस घर में काजिमा होती है वहाँ पर चला जाता है। काजिमा उसे बता देती है कि उसे जहर उसने नहीं बल्कि रेंजी ने ही दिया होता, और उसमें उसके साथ वैंडलर भी मिला होता है। केट काजिमा को गोली मार देती है, वो घर से बाहर निकलती है। तभी वैंडलर ने केट को बता दिया होता है कि
केट ने ही एना के फादर को मर्डर किया होता है। एना केट को गोली मार देती है। बैंडलर एना को अपने साथ रेंजी के पास चला जाता है। केट को अपनी लाइफ की पुरानी यादें याद आने लगती हैं। तभी उसी घर से काजिमा बाहर निकलता है और केट को उसकी दवाई देता है और दोनों ही एना को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और वहीं एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। काजिमा और रेंजी दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें रेंजी मारा जाता है। वही केट एना को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंचती हैं। वहां वैंडलर ने एना को बंदी बना करके रखा होता है और उसके सर पर बंदूक तान दी होती है। वहीं एना और केट दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं, लेकिन केट वैंडलर को गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके कुछ समय बाद एना की भी डेथ हो जाती है और इसी तरह हमारी मूवी का अंत हो जाता है। अगर